हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योगेश फैमिली एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना गिव यू सम वैक्सीन रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आई एम गोना शेयर माय एक्सपीरियंस एंड आल्सो गोना गिव यू सम वैक्सीन रिलेटेड टिप्स। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाई वैक्सीन इज इट रियली पेनफुल, प्री वैक्सीन प्रिवेंशंस एंड क्योर्स, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डू वैक्सीन एंड पोस्ट वैक्सीन क्योर एंड द रिजल्ट्स। सो let's start with the video. So first question is why vaccine? Because it really gives soft and smooth skin, also remove tan and dead skin. So yes, I prefer vaccine over other methods like shaving, vaccine straps or hair removal creams. Now second question is it really painful? So see, it totally depends upon your hair growth, your hair thickness and your skin type. तो काफ़ी सारे लोगों की हेयर ग्रोथ बहुत होती है, जस्ट लाइक मी। यस, तो हेयर ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है कि जब आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपके हेयर बहुत थिक हैं, तो वाई रिमूविंग द स्ट्रेप्स, यस थोड़ा सा पेन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात, अगर हेयर बहुत थिक हैं और आप जो बाल लंबे हैं और अगर आप खींचते हो तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा पेन होगा। सो मेक श्योर कि आपके हेयर की लेंथ इससे ज़्यादा ना रहे, एटलीस्ट इतनी रहे, इससे ज़्यादा ना रहे, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके बालों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है और आप वैक्स कर लेते हो तो एक तो बाल भी अच्छे से निकलते नहीं हैं, सेकंड थिंग इनग्रोन हेयर की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपके जो बालों की लेंथ है वो एटलीस्ट इतनी हो कि वो अच्छे से रिमूव हो जाए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारे सर्टेन सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पेन ज़्यादा होता है, जस्ट लाइक योर अंडर आर्म्स, और फर्स्ट टाइम भी काफ़ी सारे लोगों को पेन होता है, बट इट टोटली अप टू योर ब्यूटिशियन ऑल्सो। वो पर्सन रियली एक्सपीरियंस होना चाहिए, रैंडमली आप कहीं से भी बाल खींच दो इतना सा ही तो काम है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वैक्सिंग करते टाइम। सो यस, पेनफुल आई विल से कि इनिशियली मुझे भी, जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था, मुझे अंडरआर्म्स में काफ़ी पेन होता था, क्योंकि मुझे मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है और बाल बहुत लंबे होते थे। तो इशू इज़ कि जब आप खींचते हो तो फ्रिक्शन जनरेट होता है और जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो हमारे पोल्स में आ जाते हैं जब बाल रिमूव होते हैं। तो कई बार आपके हेयर बहुत थिक हैं तो अभी सी बात है पोल का स्पेस भी थोड़ा बड़ा होगा, और फोर्सफुली जब बाल खींच रहे हैं, अगर बाल ज़्यादा लंबे हैं, तो थोड़ा सा ब्लड बाहर आ जाता है। तो यस, मुझे इनिशियली अंडरआर्म्स में बहुत पेन होता था, बट नाउ दिस इज़ माय लाइक माय यूज्ड टू रूटीन। तो अब एक टाइम के बाद ना हेयर ग्रोथ भी कम हो जाती है, तो इतना इशू नहीं है, और आप भी यूज्ड टू हो जाते हैं उस चीज़ के। फिर यू रियली फील दैट एक्साइटमेंट अबाउट योर क्लियर एंड स्मूथ स्किन रादर देन पेन। सो यस, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको पूरी बॉडी में पेन होगा, कुछ सर्टेन एरियाज़ होते हैं जहाँ आपको पेन हो सकता है। तो वो आपकी हेयर ग्रोथ पर, आपके बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कौन से ऐसे सेंसिटिव एरियाज जहाँ दर्द होता है। अंडरआर्म्स की स्किन ज़्यादा, जाहिर सी बात है, थोड़ी सी पतली होती है। और थर्ड क्वेश्चन इज़ कि प्री वैक्सीन प्रिवेंशन एंड क्योर। सो वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट कि आपको बॉडी स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। मैंने मेरे ब्यूटिशियन से भी कंसल्ट किया था, तो वो लोग भी बोलते हैं कि अगर आपको इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम है तो आपको बॉडी स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। बट प्लस इनग्रोन हेयर का इश्यूज़ भी होता है इसीलिए, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आपकी ज़रूरी है, तो आपको बॉडी स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। मैं पर्सनली एम कैफिन का यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप कोई भी बॉडी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो, या आप चाहें तो किसी डॉक्टर या ब्यूटिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। तो यस, हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन डाइवर्ट होने की वजह से ही इनग्रोन हेयर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बॉडी स्क्रब करना ना भूलें। आप नॉर्मली भी टाइम टू टाइम कर सकते हैं, लाइक वीकली और 15 डेज में, जैसा आपकी स्किन के लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा स्किन को रफ करना भी अच्छा नहीं होता है स्किन के लिए, तो मेक श्योर कि आप टाइम टू टाइम करते रहें। तो यस, आप वैक्सीन करवाने के एटलीस्ट एक या दो दिन पहले बॉडी स्क्रब कर लें, ताकि बालों की डायरेक्शन थोड़ी बहुत इधर उधर हो तो थोड़ी सी प्रॉपर शेप में आ जाए, वैक्सीन के लिए ईजी होता है। सेकेंड टर्म इज़ कि इन्वायरमेंट में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपकी स्किन में भी बहुत सारा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, स्किन आपकी ड्राई ही होनी चाहिए जब आप वैक्स करवा रहे हैं, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से हेयर रिमूवल प्रॉपर नहीं हो पाता और बाल रह जाते हैं। और अगर बार बार आप स्किन को वैक्स स्क्रब से खींचते हो तो इट्स ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर योर स्किन, स्किन भी लूज होने लगती है। स्किन टाइटनिंग के लिए अच्छा है कि आप जितना कम बार में बाल को इजीली रिमूव कर सकते हैं उतनी कम बार में करें। मेक श्योर कि आप जब वैक्सिंग कर रहे हैं उस टाइम पर आपका फ़ैन या एसी जो भी आपके यहाँ है वो ऑन होना चाहिए, मॉर्निंग टाइम पर ही कर लें। अगर समर सीज़न है, अभी तो विंटर सीजन चल रहा है, तो काफ़ी जगह ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं चाहेगा, क्योंकि सर्दी में स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई हो जाती है। बट यस,
मैं यूजुअली पर्सनली इसीलिए मॉर्निंग टाइम पर करवा लेती हूँ। नेक्स्ट टर्म इज कि हाउ टू डू प्रॉपर वैक्सिंग और कौन सा वैक्सिंग अच्छा है आपके स्किन टाइप के लिए। सो इनिशियली आई विल से कि पहले जो हमारा स्लीक वैक्स जो भी हनी वैक्स है वो बहुत अच्छा आता था, लाइक उससे हाँ इन्वायरमेंट में जब मॉइस्चर आ जाता तो हेयर अच्छे से रूट नहीं होती थी। आई एग्री, क्योंकि मेरे साथ इनिशियली बहुत प्रॉब्लम जाती थी, मुझे उस वक्त कृता वैक्स का इतना आइडिया नहीं था मेरे कॉलेज टाइम पर। और हियर आई एम जो मैं मेरी जर्नी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो मेक श्योर कि आप पॉइंट ध्यान में रखें, ताकि अगर आपकी वैक्सीन जर्नी अभी तक शुरू नहीं हुई, मतलब टीन एजर्स हैं, तो मेक श्योर आप सर्टन फैक्टर ध्यान में रखें वैक्स पर। ऐसा नहीं कि लिया और खींच लिया, स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। यस, इनिशियली मैं जो हमारा नॉर्मली हनी वैक्स है, स्लीक वैक्स होता है, मैं वही यूज़ करती थी। तो हाँ, मेरा जब इन्वायरमेंट में मॉइस्चर आ जाता था तो मुझे मेरे बाल इजीली रिमूव नहीं होते, काफ़ी सारे लोगों के हो भी जाते थे। तो ये आपकी हेयर ग्रोथ पर भी डिपेंड करता है, मेरे हेयर ग्रोथ भी बहुत है, प्लस मेरे हेयर्स थोड़े थिक हैं तो वो इजीली रिमूव नहीं होते। काफ़ी सारे लोगों के हेयर्स बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की हो जाते तो वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। इट्स टोटली अप टू योर स्किन ऑल्सो, तो मेक श्योर कि आप स्किन के अकॉर्डिंग करें। अगर आपके हेयर इजिली रिमूव हो जाते हैं तो आप हनी वैक्स चूज़ कर सकते हैं, बट इन्वायरमेंट में मॉइस्चर ना रहे आप ध्यान रखें। सुबह सुबह के टाइम अगर आप ठंडे मौसम में कर ले तो बेटर रहता है। और सेकेंड थिंग, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, लाइक मी, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, प्लस मेरे बाल इजिली थोड़े थिक है तो नहीं निकलते, तो छोटे छोटे बाल हनी वैक्स से रह जाते हैं। रिका वैक्स इज समथिंग जिससे बाल अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। येस, तो मैं अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर बिफोर मैंने रिका वैक्स स्टार्ट कर दिया करना, और आई कैन सी द रिजल्ट्स। रिका वैक्स से टैनिंग निकलती है, हनी वैक्स से टैनिंग नहीं निकलती है। हनी वैक्स से फेयर निकलते हैं, वो भी प्रॉपरली नहीं निकलते, छोटे छोटे बाल रह जाते हैं। रिका वैक्स से टैनिंग निकल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं, और छोटे छोटे जो हेयर होते हैं वो भी इजीली निकल जाते हैं। सो देर आर 3 वैक्सेस। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, जिसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं होते हैं, और आपके हेयर बहुत पतले इजीली निकल जाते हैं, यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर हनी। बट येस, आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपके हेयर थिक हैं, मतलब आपके हेयर थिक हैं, ग्रोथ बहुत है, आप रिका वैक्स को प्रेफर कर सकते हैं। मगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप रिका वैक्स पर भी ना जाए, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड भी पड़ जाती है। वो विदाउट स्ट्रेप ही उसको डायरेक्ट अप्लाई करो, और जब सूखती है तो उसे निकाल लो, उसके लिए स्ट्रेप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसको अप्लाई करने के बाद उस पर वैक्स स्ट्रेप्स चुपकते भी नहीं है, मैंने ट्राई किया हुआ। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वाइट चॉकलेट रोल ऑन वैक्स, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, हेयर थिक हैं और हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा है, आप एब्सोल्युटली गो फॉर वाइट चॉकलेट रोल ऑन वैक्स, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब ये तो हो गया कौन सा वैक्स यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम इसकी आपको हेयर रिमूव कैसे करना चाहिए, लाइक जब आप प्रॉपर वैक्स करते हो उस टाइम पर और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मॉइस्चर्स के अलावा। सो द थिंग इज कि आपकी जो हेयर है, मेक श्योर कि आपके बाल जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप वैक्स लगाएं। अगर आपके बाल इस डायरेक्शन में तो आप उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाएं, और उसी डायरेक्शन में स्ट्रैप को भी चुपका के प्रेस करें, सेम डायरेक्शन में हेयर के डायरेक्शन में। और स्ट्रैप लगाने के बाद स्किन को अच्छे से टाइट करके पीछे खींच के, लाइक आपकी स्किन बहुत टाइट होनी चाहिए जब आप स्ट्रैप खींच रहे हैं, बाल अच्छे से रिमूव होंगे, पेन भी कम होगा, और स्किन भी लूज़ नहीं होती, उससे स्किन टाइटनिंग बनी रहती है, स्किन लूजनेस के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि आप नॉर्मली, आपका यहाँ पर खाल ज़्यादा है, आप नॉर्मली यूं खींचे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है ना, उससे स्किन भी लूज़ होती है। तो दैट इज़ द परफेक्ट वे टू अप्लाइंग वैक्स एंड रिमूविंग द वैक्स ट्रैप। ऑल्सो मेक श्योर कि कई बार कैसा होता है, आपके हेयर जो ग्रोथ होती है, डायरेक्शन होती है बालों की, वो एक सी नहीं होती है। फॉर सपोज आपके यहाँ साइड का बालों का डायरेक्शन इतना पोर्शन नीचे की तरफ है और यहाँ से ऊपर की तरफ है, तो आप पूरे पर एक जैसा ना लगाएं, जितना आपके बालों का डायरेक्शन उतना ही लगाएं, और नीचे से आप दोबारा ऐसे वैक्स लगाना शुरू कर सकते हो और उसको रिमूव कर सकते हो सेम अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेक श्योर जितने पोर्शन पर बालों का डायरेक्शन सेम है उतने ही पोर्शन पर लगा के रिमूव करें, अलग पोर्शन पर लगा के ना रिमूव करें। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, रिमूव हो जाता है, अगर दे आर रियली एक्सपर्ट तो आई डोंट नो, बट हो तो जाता है, मगर वो पैचेस छोड़ जाता है, हमारी स्किन में स्पॉट्स छोड़ जाता है, और स्किन लूजनेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो आपकी स्किन पर रैशेस आ जाते हैं, पहली बात ये है। तो मेक श्योर कि आप रैशेस से बचाव के लिए और आपकी स्किन लूज ना हो, स्किन टाइट बनी रहे उसके लिए, दिस इज़ द करेक्ट वे कि जितने पोर्शन में सेम डायरेक्शन है उतने ही पोर्शन में उसी डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई करें, उसी डायरेक्शन में स्ट्रैप लगाकर प्रेस करें, और अपोजिट डायरेक्शन में स्किन टाइट करने के बाद उसको खींचें। दिस इज़ द करेक्ट वे टू अप्लाई वैक्स एंड रिमूव द वैक्स। नाउ अब हम आते हैं वैक्सिंग होने के बाद हमारे फाइनल टर्म पे। नॉर्मल जब हम हनी वैक्स यूज़ करते हैं उसमें कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जब हम वाइट चॉकलेट या रिका वैक्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक ऑयल आता है आफ्टर वैक्सिंग ऑयल करके, प्री वैक्सिंग ऑयल भी आता है। तो प्री वैक्सिंग ऑयल के लिए ज़रूरी नहीं है कि, हाँ मैं एक फैक्टर भूल गई कि अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी स्किन चुपचुप हो रही है, तो मेक श्योर कि आपकी स्किन क्लीन होनी चाहिए। अगर डर्ट है तो आप जाके पहले पानी से, या अगर आप कोई शावर जेल यूज़ करते हैं, अच्छे से बॉडी को क्लीन कर लें,
उस पोर्शन को जहाँ वैक्स हो रहा है, ज़रूरी नहीं पूरी बॉडी का हो रहा है, उस पोर्शन को जहाँ वैक्स हो रहा है आप प्रॉपरली क्लीन करें। और अगर मॉइस्चर के इशूज़ होते हैं तो आप पाउडर यूज़ करें, पाउडर अप्लाई करें, बहुत ही थिन लेयर, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं होना चाहिए वरना वैक्स उसी में चिपक जाएगा और आपके बाल अच्छे से नहीं निकलेंगे। हाँ, सो आफ्टर वैक्सिंग क्या होता है कि हनी वैक्स में कुछ आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो वाइट चॉकलेट रोल ऑन वैक्स, वाइट चॉकलेट वैक्स होती है और जो रिका वैक्स होती है उसमें आपको यस प्री पोस्ट वैक्सिंग ऑयल आता है वो अप्लाई कर, ब्यूटिशियंस भी अप्लाई करती है जब मैं अर्बन फ्लैक्स होना बुक करती हूँ तो वो भी अप्लाई करती हैं। दैट इज़ रियली गुड फॉर स्किन। और उससे क्या होता है कि जब हमारी वैक्स हो जाती है, वैक्स होने से पहले मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है, बट वैक्स होने के बाद हमारी स्किन को मॉइस्चर की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा ऑयल लगा लिया, ऐसा नहीं करना है, बहुत ही थिन लेयर आपको कि आपकी स्किन ऑब्जर्व कर ले थोड़ा सा, बट बहुत ज़्यादा अलग से ऑयली ऑयली फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल भी हो जाता है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर से भी हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप उतना ही ऑयल अप्लाई करें हल्का सा, वो भी हमारी बॉडी में जो दाने से हो जाते हैं छोटे छोटे, तो उसमें उसको रोकने में हेल्प करता है। बट यस, कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं, ज़रूरी नहीं आपकी पूरी बॉडी में दाने निकलने शुरू हों, बट कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं। रेडनेस जो होती है वो तो थोड़े टाइम बाद चली जाती है, रेडनेस नहीं होती, ऑब्वियसली बात है आपके बाल खिंच रहे हैं, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है तो ब्लड वेसल्स भी पोर्स में आ जाते हैं तो बॉडी थोड़ी सी रेड हो जाती है, तो थोड़े टाइम में क्लियर हो जाता है, दैट्स नॉट अ इशू। बट हाँ, दाने हो जाते हैं कुछ सेंसिटिव पार्ट पर, कुछ कुछ पोर्शन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फॉर मी इट्स लाइक माई क्लीवेज एंड जस्ट बिहाइंड इट्स पोर्शन, क्लीवेज का जो जस्ट अपोजिट बैक साइड है मुझे वहाँ पर और मेरे क्लीवेज पर काफ़ी सारे रैशेज हो जाते हैं। तो आई मेक श्योर कि वो जब रिमूव कर रहा है वैक्स स्ट्रैप तो थोड़े जेंटली रिमूव करें, बहुत ही एकदम खींच दिया टाइप नहीं, और बहुत अच्छे से स्किन खींच के करें तो अच्छे से होगा। बट ऐसा हर बार नहीं होता है कि आप करें तो आपका ना निकले कुछ, मतलब दाने ना ही निकले, कुछ सेंसिटिव एरिया होते हैं जहाँ आप कितना भी अच्छे से करो तो दाने निकलते ही हैं, उसके लिए आप पोस्ट वैक्सिंग क्योर कर सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आप रिका वैक्स या चॉकलेट रोल ऑन वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद जो पोस्ट वैक्सिंग ऑयल आता है वो एक बार ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप ब्यूटिशियन बुक कर रहे हैं या पार्लर में जाकर करवा रहे हैं तो वो खुद से कर देंगी, और नहीं कर रही है तो उन्हें बोलिएगा ज़रूर कि ये होता है, ये आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप घर में ही कर रहे हैं वैक्स तो मेक श्योर कि आप वो एक बॉटल लेकर रख लें और आप करें। मैं पर्सनली ये एवोकाडो वाला यूज़ करती हूँ तो मुझे इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, लेकिन मुझे बेनिफिशियल लगा ये। बट काफ़ी सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं कि कोई सा ऑयल सूटेबल नहीं होता है, तो ये काफ़ी सारे फ्लेवर्स में भी आता है, तो इसका एक एलोवेरा का भी फ्लेवर आता है इसमें, रिका वाले इसमें वैक्सिंग लोशन में, तो आप वो वाला ऑयल भी ले सकते हैं, वो आपकी स्किन के लिए अच्छा, मतलब वो एलोवेरा जनरली हर स्किन टाइप के लिए अच्छा होता है। फर्स्ट टाइम इज मॉइस्चराइजेशन आफ्टर वैक्सिंग, ओनली इन केस ऑफ रिका और वाइट चॉकलेट। सेकेंड मोस्ट थिंग इज कि आपकी वैक्सिंग होने के बाद मेक श्योर कि आप ज़्यादा हीट वाले प्लेसेस पर ना रहें, आपकी स्किन को कूल रहने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वैक्स के जस्ट बाद में फ्रिक्शन जनरेट हुआ है, आपकी बॉडी बहुत सारी मोशंस और एक्टिविटीज़ हुई है, फिर से ऑब्वियसली बात है कि वो दाने निकलने की वजह वही होती है, आपकी बॉडी कूल प्लेस पर ही रहे। जस्ट लाइक अगर आप वैक्सिंग की जस्ट बाद बात ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद ले रहे हैं तो आपका जो लोशन है वो आपकी हेल्प करेगा, बट स्टिल बहुत ज़्यादा गर्मी में ना रहें, फ़ैन एसी जो भी है वो ऑन करके। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप वैक्सिंग के बाद बाथ ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप गर्म पानी का यूज़ ना करें, गर्म पानी को यूज़ करने से भी स्किन डार्क होने लगती है। यस, तो मेरी ब्यूटिशियन ने मुझे बोला कि ये वाला जो ऑयल है काफ़ी सारे लोग यूज़ करते थे रिका वैक्स करने के बाद, इसको यूज़ किया और फिर वो लोग गर्म पानी से नहा लेते थे तो उनकी वैक्स डार्क हो जाती थी, तो वो शिकायत करते थे कि नहीं ये वाला ऑयल मत यूज़ किया करो। तो आपको गर्म पानी नहीं यूज़ करना है, गर्म पानी आप ऑयल ही नहीं, नॉर्मली भी वैक्स कर रहा है नहीं भी, तो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, आपकी स्किन को ठंडा होने की ज़रूरत है ताकि जो दाने हैं वो ना निकलें। आप ठंडे पानी से ही नहाइएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अभी ठंडी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो आप नॉर्मल वाटर का यूज़ कर सकती हैं, बट गर्म पानी का ना यूज़ करें, एटलीस्ट नेक्स्ट 4 डेज तक तो बिल्कुल ना करें, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं थोड़ा बहुत गर्म पानी, पर ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करने से भी स्किन जलने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब एक बार आपके हेयर रिमूव हो चुके हैं तो वॉट एवर यू आर अप्लाइंग ऑन योर स्किन आपकी स्किन पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, पोर्स ओपन रहते हैं, सो मेक श्योर कि आप गर्म पानी का यूज़ ना करें। अगर आपसे ठंडा पानी नहीं यूज़ किया जा रहा है तो आप नॉर्मल वाटर का यूज़ करें। ऑल्सो अगर आपको दाने होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जैसे, तो मैं पर्सनली आइस यूज़ करती हूँ, आइस रियली बहुत हेल्पफुल होता है आपके जो दाने हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं उनको रोकने के लिए, पोर्स जो ओपन रहते हैं उनमें ब्लड वेसल्स बढ़ जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है कि आपकी स्किन कूल रहे और सॉफ्ट रहे। मैं पर्सनली वैक्स होने के बाद जब बाथ लेती हूँ तो मैं आइस स्लाइड करती हूँ पूरी बॉडी पर, उससे मेरी स्किन लिटरली ग्लो करती है और बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश फील करती है। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप
आइस का ज़रूर यूज़ करें। काफ़ी सारे ब्यूटिशियंस भी बोलते हैं कि वैक्सिंग के बाद आप आइस का यूज़ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वन इज़ मॉइस्चराइजेशन, सेकंड वन इज़ स्किन कूलिंग, एंड थर्ड वन इज़ कि आप वैक्स होने के बाद बहुत टाइट क्लोथ्स ना पहने। मेक श्योर कि आपकी स्किन को थोड़ा सा स्पेस मिले स्किन और क्लोथ के बीच में, ताकि आपकी स्किन ब्रीथ कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ पहनने से भी जब बाल ग्रो होना शुरू करते हैं तो उनका जो डायरेक्शन है वो डाइवर्ट हो जाता है और इनग्रोन हेयर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने अपनी पूरी जर्नी में ऑब्जर्व किए और फील किए क्या अच्छा है क्या बुरा, मैंने सब शेयर किया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।